नमस्कार, मैं हूं दीपिका। आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज। स्वामी प्रसाद मौर्य जो अक्सर अपने विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं, सनातन का अपमान करना, हिंदू धर्म का अपमान करना ये उनकी आदत बन चुकी है, जबकि वो खुद हिंदू है। लेकिन हिंदू धर्म के खिलाफ इस बार जो उन्होंने जहर उगला है उसे सुनने के बाद हिंदुओं का खून खौल उठेगा। दरअसल समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म को लेकर एक बार फिर विवादित बयान दिया है। हरदोई में एक जनसभा को संबोधित करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि हिंदू नाम का कोई शब्द नहीं है। उन्होंने कहा कि फारसी में हिंदू धर्म को चोर, नीच और अधर्म कहा जाता है। तो हिंदू धर्म कैसे? हिंदू धर्म कैसे? सच पूछिए तो यह फारसी शब्द है और फारसी में इसका अर्थ होता है चोर, नीच, अधम। हम उसको धर्म कैसे मान सकते हैं? और यह ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहा क्यों गया? इसलिए कि 1931 की जाति जनगणना, 1931 की जाति जनगणना में ब्राह्मण की आबादी 3.5% अगर इसको ब्राह्मण धर्म कहा जाता तो 3.5% आबादी वाला ब्राह्मण अल्पसंख्यक हो जाता, 3.5% वाला आबादी का ब्राह्मण अल्पसंख्यक हो जाता। इसीलिए अपने को बहुसंख्यक बनाए रखने के लिए क्षत्रियों को भी जोड़ लिया, वैश्यों को भी जोड़ लिया, शूद्रों को भी जोड़ लिया, जिससे कि हम बहुसंख्यक बने रहे। चालबाजी समझो। और इसीलिए हम जिसको हिंदू धर्म मानते हैं वो हिंदू धर्म ही नहीं, वो ब्राह्मण धर्म है। अगर हिंदू धर्म होता तो सबको बराबर का दर्जा दिया जाता। वो यहीं पर शांत नहीं हुए, उन्होंने आगे ये भी कहा कि हम इसे धर्म नहीं मान सकते। जो लोग हिंदू को धर्म मानते हैं वो हिंदू धर्म है ही नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि हिंदू धर्म की मांग करने वाले लोग संविधान के विरुद्ध है और देशद्रोही है। ऐसे लोगों द्वारा आरक्षण को खत्म करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। और जिसको तुम हिंदू राष्ट्र बोलते हो वो भारत राष्ट्र पहले से स्थापित है। ये भारत कभी भी न हिंदू राष्ट्र था, न हिंदू राष्ट्र है, न हिंदू राष्ट्र रहेगा, कभी नहीं रहेगा। इसीलिए साथियों, हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग देश विरोधी हैं, संविधान विरोधी हैं, लोकतंत्र विरोधी हैं, इस देश के आदिवासी, दलित और पिछड़े विरोधी हैं। इसलिए सावधान रहना, आपको एक लंबे संघर्ष के बाद भारतीय संविधान मिला है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने तुष्टिकरण की राजनीति करने के लिए जो बयान दिया है उस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। इस खबर में इतना ही, बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।